जीना इसी का नाम है कि आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं थोड़ा सा पशोपेश में हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। अगर आज के मेहमान का तारुफ परिचय मैं ये कह के करवाऊँ कि वो एक अच्छा गायक है तो परिचय तो सही होगा लेकिन पूरा नहीं होगा। अगर ये कह के करवाऊँ कि वो एक टैलेंटेड एक्टर है तब भी परिचय सही होगा लेकिन पूरा नहीं होगा। और अगर ये कह के करवाऊँ कि बहुत मज़ेदार एंटरटेनर है तब भी परिचय ठीक होगा पूरा नहीं होगा। तो मैं सिर्फ ये कह के करवा देता हूँ परिचय कि आज के मेहमान हैं सोनू निगम। तशरीफ लाइए सोनू साहब। आदाब सर, आदाब सर। तो मैं जो आपसे कह रहा था मैं तो सोनू ही कह सकता हूँ, आप तो बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं, आप बहुत आराम से बैठिए क्योंकि आप मुझसे ऊंचे नज़र आएंगे तो मुझे वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप बिल्कुल आराम से बैठ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं तरतीब थोड़ी शो की बदल देता हूँ। एक ऐसे शख्स को बुलाता हूँ जो मतलब आपके बड़े भाई की जगह भी हैं और जो बहुत मान्यवर भी हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ, दो बातें आपके बारे में कहें, शो को भी आशीर्वाद दें, आपको भी, और फिर जो है बाकायदा उसको कर दें। तो प्लीज़ तशरीफ लाइए अमर सिंह साहब। आदाब 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 सर, आइए सर, आइए सर। ये तो कमाल की बात है, एक अनयूजुअल किस्म के टैलेंट की के बारे में शो था तो हमने सोचा एक अनयूजुअल आदमी को बुलाकर और एक अनयूजुअल शुरुआत की जाए। वरना हम लोग शुरू करते थे सोनू बचपन में ऐसे थे वगैरह वगैरह, लेकिन अभी हम चाहते हैं अमर सिंह जी आप एक तो सोनू को आशीर्वाद दें कार्यक्रम के लिए भी और आइंदा ज़िंदगी के लिए भी। और इनकी मुलाकात आपसे कब से है और आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं हमको ज़रा बताएँ। पहली बात यह कि मुलाकात कई वर्षों से है लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कई युगों से जानते हैं। सोनू की सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी सूरत और सीरत एक सी है, जो अंदर है वही बाहर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा गायक है, बहुत अच्छा कलाकार है, उससे भी अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा इंसान है। मुझे दादा बुलाते हैं जी, और इस नाते मेरे छोटे भाई जी, और ये मेरा फ़र्ज है कि इनको मैं, मेरा दायित्व है, कर्तव्य है कि इनको मैं आशीर्वाद दूं। और सोनू निगम ऐसा आदमी कभी विफल नहीं हो सकता, और इसके लिए मैं इनके माता पिता को भी विशेष बेशक बेशक बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि सफलता पाने के बाद भी इनका दिमाग नहीं ख़राब हुआ है। और अगर ये ऐसा ही रहा तो इसके बढ़ते कदम को कोई पीछे नहीं हटा। बिल्कुल सही बात। अमर सिंह जी आप अपने बेहद मसरूफ़ शेड्यूल से वक्त निकाल कर आए, सोनू की तो इज़्ज़त अफजाई हुई, शो की भी हुई। नहीं, मेरी इज्जत अफजाई हुई नहीं दादा। सोनू ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ बोलने का मुझे अवसर मिला और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ तो ये मेरे लिए इज्जत की बात है कि मैं इसके कार्यक्रम में आ सका। बेहतर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अपनी मसरूफियत में यहाँ पर आए, मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कहना है। इसी तरह जैसे हो वैसे बने रहो, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहो। बहुत शुक्रिया। अमर सिंह जी ने जैसे बतलाया कि वो बेहद मसरूफियत के बावजूद यहाँ आए और इस वक्त भी बहुत मसरूफ़ हैं, जल्दी में हैं कहीं लौटने के लिए, इसलिए उन्होंने पहले ही इजाज़त ले ली थी कि मैं आशीर्वाद दे के फ़ौरन ही रवाना हो जाऊँगा। वो रवाना हुए और अब सोनू की खबर हम लेते हैं। सोनू, आपके जो बचपन के क्लिप्स हमने देखे, ऐसा लगता है कि
आपको बचपन से शौक था एक्टिंग एक्टिंग का इस तरह की चीज़ों का? एक्चुअली मैंने 80 से 83 के बीच में मैंने कुछ फिल्मों में काम किया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट. रियली? वी डिडंट नो दिस. ये जो आपने कुछ क्लिपिंग्स देखी थी वो उस फिल्म के थे. कामचोर फिल्म में मैंने काम किया था. उस्तादी उस्ताद से फिल्म में मैंने काम किया था. हमसे है ज़माना, बेताब में सनी का बचपन मैंने किया था. तो कृष्णा कृष्णा एक जो था ना चोटियाँ बना के जो है वो कृष्णा कृष्णा का सीन था. तो मैंने कुछ बचपन में ऐसे काम किए थे और स्टेज पे मैं उसके भी पहले से गा रहा था. 77 से गा रहा हूँ मैं, 77 से मैं स्टेज पर गा रहा हूँ. 80 से 83 तक मैंने फिल्म में काम किया. तो अभी जो आप जो नौटंकी देख रहे हैं वो तभी की जो बदमाशियाँ थी थोड़ी बहुत. तो आपकी बदमाशियों की दास्तान शुरू से शुरू करते हैं और उन लोगों को बुलाते हैं जो आपको शुरू से जानते हैं. प्लीज़ आइए, तशरीफ लाइए. आदाब आदाब, तशरीफ लाइए सर. अरे वाह बाबा जी. अरे वाह वाह, ये मेरा परिवार. मैं आपको तारीफ कराता हूँ. आप लोग आ जाए तो फिर मैं सोनू को तकलीफ दूँ कि बाकायदा सबका परिचय जो है अपने खास अंदाज में करें. आइए सर, आप यहाँ ना पड़ेगा चाम पंडी. आप यहाँ आ जाए सर, आप यहाँ आ जाए ताकि सब लोग कैमरे को बाकायदा नजर आने लगे. सरप्राइज, ब्यूटीफुल सरप्राइज. जी सर, यहाँ से शुरू करते हैं सर. सोनू साहब, ये मेरी मम्मी है जी, ये मेरे पापा हैं जी, ये मेरी सबसे छोटी बहन निकिता, टिन्नी बच्चा मेरा, वो मेरी उससे छोटी, उससे बड़ी मीनल, जिससे छोटी वो है, मीनल है, मिनी इसको बोलते हैं. ये मेरे दादाजी, बाबा जी इनको बोलते हैं, दया प्रसाद निगम जी. और ये मेरा सबसे प्यारा कज़न, मेरा भाई, चाचा का बेटा जी, बंटी अनुराग. वेरी इमीडिएट फैमिली. इमीडिएट फैमिली. तो माताजी से शुरू करें. ये सोनू कह रहे थे कि बचपन ही से इनको जो है जो इनकी ज़बान में नौटंकी का बड़ा शौक था और कई फिल्मों में काम किया वगैरह वगैरह. तो क्या शुरू से ऐसे ही लगता था कि ये जो है कुछ ना कुछ जाके हरकतें ऐसी करने वाले हैं? ऐसे हमें तब पहले नहीं पता चला था, लेकिन ये नॉटी तो बहुत था. वो मतलब एक्टिंग एक्टिंग करना, इमिटेट करना, इसकी वो बड़ी आदत थी कि किसी को इमिटेट करना. तो इसमें वो बात तो थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये ऐसे इतना बड़ा सिंगर बन जाएगा या सिंगर बनेगा. जी जी निगम साहब, हमारे यहाँ एक आम आम सिस्टम ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, खासतौर से हिंदुस्तान में, जब बेटा पैदा हो जाए वो भी गोरा गोरा खूबसूरत माशाल्लाह, तो उसकी कुंडली वुंडली निकालते हैं कि सब भाई हम बच्चे की का भाग्य कैसा रहेगा. तो ऐसी कोई कुंडली वुंडली सोनू की निकलवाई थी? वो तो एक जैसे जनरली बनता है, एक कुंडली बनती है बच्चे के पैदा होने पर, वो तो बनाई. मगर एक इंसिडेंट मुझे याद आया, वो आपको बताता हूँ कि ये 83 की बात है. मैं हम लोग दिल्ली बेस्ड थे, मगर मैं कभी कभी स्ट्रगल के लिए आता था वहाँ से पैसा कमा के. जब यहाँ पैसा ख़त्म हो जाता था तो वापस चला जाता था. तो उन दोनों कुछ पैसा ख़त्म हो रहा था तो मैं कुछ लॉटरी की टिकट लेने लगा. लॉटरी की टिकट्स? मैं कहा शायद निकल जाए कुछ. जी जी. तो नहीं निकलते नहीं थे. तो एक दोस्तों में, एक हमारे ज्ञानी जी थे, कोई प्रेडिक्टर थे, कोई एस्ट्रोलॉजर, उनसे मेरी दोस्ती हो गई. तो उनको मैंने घर पर चाय के लिए बुलाया. मैं कहा ज्ञानी जी कुछ आप बताइए, कुछ नंबर नंबर दीजिए, कुछ लॉटरी निकल जाए तो एक साल और बॉम्बे में टिक के थोड़ा स्ट्रगल कर लूँ, सिंगर बन जाऊँ. वो कहते हैं, देखा उन्होंने मेरा हाथ वगैरह, कहते हैं सर आपकी लॉटरी कभी नहीं निकलेगी. और मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? कहते आप खरीदना ही नहीं कभी टिकट. और सामने सोनू बैठे थे, वो ज्ञानी जी को पता नहीं था ये लड़का कौन है, गाता है नहीं गाता, तब तो मतलब वैसे भी बच्चा ही था. तो वो नज़र उनकी उस पर पड़ी सोनू पे, वो देखते रहे उसको. फिर मुझे बोलते हैं निगम साहब आपके पास बम्पर लॉटरी है. मैंने कहा मतलब? तो कहता ये जो लड़का बैठा है आपका बेटा, कहा जी, कहता ये आपका बम्पर ड्रॉ है. तो मैंने कहा कैसे? कहते इसको एक बार बड़ा हो जाने दो, ये आपकी बम्पर लॉटरी बनेगा. और वैसा हुआ. सर ज्ञानी जी का पता हम सबको दीजिएगा. अभी मुझे भी पता है भाई, ज्ञानी जी को ढूंढना पड़ेगा. ये क्या सर? अच्छा, बोथ ऑफ यू ऑल आर यंगर सिस्टर्स. तो ये एक तो खुद शरारती तो हैं ही, बचपन से ही नज़र आ रहे हैं तो, और अब बड़े स्टार भी हैं. तो जो है, हाउ इज ही एट होम विथ यू ऑल? मतलब He is like a father to me actually. He is not a brother, he is not a friend, he is just a father. Very much he believes in his own principles and disciplined, and very much he expects me to be very much disciplined. डांटते रहते?
बहुत ज्यादा अभी बही खाता पूरा हुआ या कुछ बाकी है? He was always very fond of me, so मुझे बहुत पैम्पर करके रखा है, and at the same time obviously जहां गलत है नजर भी लगते हैं बहुत। लेकिन आपके और इनमें तो सिर्फ एक साल का फर्क है, 11 महीने का। तो आपके साथ भी वही रवैया है या आपको तो भाई क्या, आप क्या कहें, आप तो करीब करीब मेरी उम्र की हैं। नहीं, हम लोगों का एकदम वी वर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, इतना कम डिफरेंस था हमारे बीच में। बहुत मस्ती करते थे दोनों साथ में मिलके, और इनको तो मैं हमेशा फॉलो करती थी। 11 महीने का डिफरेंस था, बट मेरे लिए वो 11 साल से ज़्यादा था, बिकॉज ये हाँ बोलते थे और मैं हाँ बोलूँ, ये ना बोलें तो ना। इतना मुझे विश्वास था, ही वॉज़ लाइक अ गाइड, मेंटर, टीचर, एवरीथिंग फॉर मी, फ्रेंड। एक 11 महीने के डिफरेंस में भी वो मुझे इतना प्रोटेक्ट करता था हर चीज़ में। आपने इतनी इनकी तारीफ़ की, मैं चाहता हूँ इनकी एक लॉटरी निकाल दूँ, लेकिन लॉटरी निकालने से पहले एक शर्त है, आप इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, और जब तक मैं ना बोलूँ आप उधर मत देखिएगा। पक्की बात है, चीटिंग करें तो पकड़ लीजिएगा। आइए, तशरीफ लाइए, सोनू जी की लॉटरी। ये तो कॉल हो गया। This is the biggest surprise. How dare you think you could do this without me? I couldn't dare to think. I didn't know you'd be here. Oh, wow. Where else would I be? और ये हम ये बताते चले कि खास इस शो के लिए कनाडा से तशरीफ लाए हैं रुपिंदर जी, ताकि आके इनकी लॉटरी खुले। मेरी लॉटरी है। थैंक यू रुपिंदर जी। थैंक यू सो मच। रुपिंदर जी, करीब करीब सारे फैमिली के लोग जमा हो गए हैं, मैं चाहता हूँ कि इनकी शुरुआत की कुछ तस्वीरें देखें, फिर खूब इनकी टांग खींचें। ये बाबा जी टिनी गॉड, ये मिनी टिनी मैं। वेलकम बैक, वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है, मैं बातें हो रही हैं सोनू निगम से। ये सोनू और उनके फैमिली के, उनके माता पिता वगैरह भी जो हैं कल ही कनाडा से आए हैं शो के लिए, और मज़े की बात यह है कि इनको पता नहीं था कि रुपिंदर जी भी उसी फ्लाइट से कनाडा से आ रही हैं इसी शो के लिए। तो ये जादू आपने किया कैसा, जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए। एक्चुअली वी प्लान्ड सो दैट वी वुडंट बी ऑन द सेम फ्लाइट, बट सोनू एज ऑलवेज चेंजेस द प्लान्स। ही चेंज्ड हिज फ्लाइट एंड जस्ट अ फ्यू आवर्स बिफोर आई रियलाइज्ड ही इज गोइंग टू बी ऑन एग्जैक्टली द सेम फ्लाइट, एंड वी वर ऑल इन अ पैनिक, वी कुडंट चेंज द टिकट एट ऑल। सो देन ऑफ कोर्स आई टुक सोनू'स ओल्ड टेक्निक and I was panicking, so I took a burqa. Note, my old technique. Technique. Yeah, that's a secret. He has to take. Because मैंने इनके साथ ऐसे किया हुआ पहले एक बारी। However, आप बुरके में आएं, उसी फ्लाइट पर। जी, ये तो इनका बुरके पहना जायज है। जी। आप मुझे बुरके में इमेजिन कर सकते हैं? मैंने वो भी किया हुआ इनके लिए। He can imitate anyone. जी। He imitates my talk, my walk. So I was limping. I walked right by you. You didn't notice नहीं, me. इसका मतलब ये है कि आपको सबूत मिल गया है कि मैं आती जाती लड़कियों को और औरतों को देखता नहीं हूँ। नहीं, कम से कम ऐसी लड़कियों को नहीं देखते जो बुरके में हो और लंगड़ा के चले। और वैसे भी लड़कियों को देखने देखने की बात जो है ना, जरा हमको संभल के करना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय का एक कुछ संदेश आ रहा है। प्लीज आइए गृह मंत्रालय। Nice to meet you. Very nice to meet both of you all, Mr. and Mrs. Sonu Nigam. इनकी तारीफ मैं तो कर नहीं सकता और तारुफ भी मैं नहीं करा सकता, तो आप ही सर खुद ही छूटे, आप तारुफ कराइए और तारीफ भी कीजिए। झूठी ही करता हूँ, चलो। अच्छा चलिए, हमारी ये है मेरी धर्मपत्नी जी, इनका नाम है मधुरी माँ जी। इन्हें मैं दिसंबर 95 से जानता हूँ और 99 के करीब मैंने निर्णय किया कि मैं इनसे विवाह करूँगा। फिर 2002 लास्ट ईयर में इनके साथ मेरा विवाह हुआ और तब से आज तक मैं कारावास भुगत रहा हूँ। मधुरमा जी, सच्ची बात क्या है, मतलब आप बताइए, कारावास वगैरह वगैरह ये सब बातों में हमको आने वाले नहीं, आप बताइए सच्ची बात। पर सबसे पहले तो ये बताइए, आप सोनू निगम को सबसे पहली बार कब मिली? वो किस
आप ही बताइए जी। हम लोग एक एक डिस्को में मैं गया था 24 दिसंबर की रात को शो के बाद में, तो ये अपनी चाची के साथ में गए थे, वहाँ गया था, तो वहाँ मुझे ये आई और मुझे आके बड़ी कॉन्फिडेंटली आके बोलती हैं कि आप शूटिंग जो करने वाले हैं वो बंगाली गाने की ना, वो वीडियो करने के लिए। कौन सा गाना भैया? तो कहती है भाई वीडियो, आप एक वीडियो कर रहे हैं ना, उस वीडियो के लिए यू नो हमारी बात चल रही है। कौन सा वीडियो, कहाँ का गाना, क्या बात कर रही हैं आप? अरे आप तो कर रहे हैं वीडियो। मैंने बोला मैं तो वीडियो नहीं कर रहा। कौन सा वीडियो? तब इनको कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो बाद में मालूम पड़ा कि इनके दोस्तों ने इन्हें बेवकूफ़ बनाया था कि एक कुछ मैंने बंगाली गाने गाए थे उस पर मैं अभी शूट करूँगा, वीडियो बनाऊँगा और उसमें शायद हीरोइन आपके लिए गा था। नहीं गा था, पता नहीं। तो वहाँ से हमारा परिचय हुआ, परिचय से बात हुई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो हैं ये बाकी लोगों से काफ़ी अलग हैं और मैरिज मटीरियल हैं। अच्छा, इन्होंने प्रपोज किया आपको या आपने कहा कि भाई अब क्या है, कितने दिन लगाओगे? ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी ऐसे बात ही नहीं की। किस तरह की बात नहीं हुई? अरे यार, वी फॉरगॉट टू गेट मैरिड। नहीं, ऐसा नहीं था। इन मैं आपको बता वास्तविकता बताता हूँ, इनकी जो खास बात यह है कि इन्होंने पिछले सात सालों में मेरे अलावा, शादी से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, मेरे अलावा इन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। और मेरे लिए इन्होंने कलकत्ता छोड़कर अपने माता पिता की भी मतलब आज्ञा के खिलाफ उस समय, हालांकि वो लोग बेचारे हमेशा साथ रहे, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उनकी बेटी अलग रहे, पर इन्होंने अपना बॉम्बे में नौकरी की और बहुत विषम परिस्थितियों में, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में यहाँ पर रहीं, काम भी किया, कभी मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहीं कि मुझसे बोले कि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, हो गई, खुद ही रही सब उसमें। तो ये चीज़ें जो इनकी जो डिग्निटी है वो, इसका तो क्रेडिट इनको जाता है, जिसकी वजह से याद मेरी बीवी हैं। मैं भी कहना चाहूँगी कुछ जी, बेशक, कि जितना प्यार मेरे पापा मम्मी ने दिया उससे कई ज़्यादा आई वुड से इन्होंने किया, और मुझे मतलब लिटरली आई कैन से आई एम अ पैम्पर्ड स्पॉइल्ड ब्रैट। सब लोग ये क्यों कहते हैं मेरे बारे में? अभी आगे का किस्सा मैं पूछूंगा नहीं, मैं किसी और को बुलाता हूँ, प्लीज तशरीफ लाइए। ये सरप्राइज था मुझे। दिस इज फ्रॉम टाइटलर एलुमनाई एसोसिएशन। रियली रियली थैंक यू वेरी मच फारूक साहब। आइए सर, ये मेरा बचपन का मतलब 9th स्टैंडर्ड से हम लोग दोस्त के साथ में, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी दोस्ती जो है वो एकदम मतलब हमारी लेजेंडरी है। और मैं सोच रहा आ कैसे नहीं रहा, मुझे लग रहा था कि ये कहता है मैं चाइनीज लोगों के बीच में बिजी हूँ, मेरे कुछ वो आ रहे हैं, यार वो आ रहे हैं। ये मेरे स्कूल की तरफ से, हमारे स्कूल की तरफ से, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टाइटलर स्कूल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो आप जे डी टाइटलर स्कूल दिल्ली में पढ़ते थे दोनों? हाँ जी, आप भी और ये भी? हाँ जी। और आपकी दोस्ती तब से है? तब से। और तब से ये इतने शरीफ और खामोश और बेचारे? तब था स्कूल टाइम तक तो थे, उसके बाद फिर जो है उसके बाद इनको पर लगना शुरू हो गया। उनको क्या, सबको बता? जी 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 जी। आप आपकी स्कूल की कुछ तस्वीरें देखते हैं। लगभग 15 साल पहले तुम क्लास, मेरी क्लास 10th में पढ़ते थे, सन 1988 में, और तुम बड़े शर्मीले, किसी से बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि लड़कियों से तो छोड़ो, लड़कों से भी बात नहीं करते थे। और तुम्हें जब गाने के लिए कहा जाता तुम झेपते थे, और तुम्हें प्रेरित करने के लिए मुझे कहना पड़ता था हमेशा ही कि तुम गाओ। और यहाँ तक कि मैंने एक दिन तुम्हारे हाथ पर ये लिखा कि द डे विल कम व्हेन यू विल शाइन लाइक ए स्टार। आज मैंने देखा तुम दिन दुगनी रात उन्नति, खूब उन्नति कर रहे हो। एक गुरु जो है अपने शिष्य को जब देखता है कि वो उन्नति के शिखर पर है तो उसे और आशीर्वाद देता है, उसे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दुगनी रात चौगुनी खूब उन्नति करो। थैंक यू सो मच। ये सारी बातें सही है क्या सोनू? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एकदम खामोश, बहुत शर्मीला, जब तक लोग बात ना करवाएं ये वो। मतलब आप ये समझ लो कि अगर कोई लड़की पास आके भी बात करे ना तो भी इसकी जबान नहीं खुलती। और खुल के बता दे, तो इतनी और खुल के बता दे, हर तरफ से इसी को मौके मिलते थे पर मैंने कभी फायदा नहीं उठाया। लेकिन ये सही मौके की तलाश में। बिल्कुल सही मौके की तलाश में, सही मौकों मौकों।
वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है कि इस सेगमेंट में कैलाश साहब जो है ये कह रहे थे कि मैं बता दूं क्या सोनू मैं सारी बातें, तो मैंने कहा हाँ हम लोग एक काम करते हैं, हम मुझे सिर्फ अकेले ना बताओ दर्शकों को भी बता दो, तो शुरू हो जाइए। कहाँ से शुरू करूँ? जैसे हर टीनेजर को क्रशेज होते हैं जी, इसको भी हुए थे दो तीन स्कूल टाइम में, मगर देखिए ये कितना बदमाश था कि आज तक किसी को नहीं बताया। तो इसका फायदा क्या हुआ भाई? वही तो मैं इसको ही नहीं पता चला, यही तो मुझे बोलता था, यही तो मैं इसको समझाता था जो लंच के टाइम पर यही बैठ के बोलता था, अबे बेवकूफ तू पागल है तू गधा है जाके बोल दे। कितना समझाया इसको, कितना समझाया, बहुत लेट समझा, बहुत लेट समझा, कुछ ज्यादा ही लेट समझा स्कूल से निकलने के काफी टाइम बाद। अच्छा सोनू, क्या आपको स्कूल में तकरीबन फर्ज कर लीजिए स्कूल खत्म होने तक तक आपको ऐसा लग गया था कि भाई सिंगिंग का मेरा करियर होगा या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं जाऊंगा, ऐसा लगने लगा? 10th के बाद से मुझे एहसास हुआ, 10th के बाद से। तो निगम साहब और माता जी कहती थी जो आपका जी चाहे करो? हाँ, वो लोग तो हमेशा ही मेरे साथ में रहे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या नहीं करना। आपने फिर दिल्ली से मुंबई का रुख कब किया? हम लोग ने, मैंने मेरे पापा ने एक साथ किया, 12th हमने जब ख़त्म की तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में दिल्ली की, और सितंबर मेरे ख्याल से 23 तारीख को मैं और पापा पहली बार मुंबई आए संगम कला ग्रुप दिल्ली में। मैंने कहा था ना जब मैं 10th के दौरान 10th में ही कॉम्पिटिशन जब शुरू किए, एक उसमें अनु जी जज थे, गुलाम अली जी भी थे अनु जी भी थे, उन्होंने मुझे तो फर्स्ट प्राइज़ दिया था इसी गाने को सुन के, ही वॉज जज दैट टाइम। और इनका मेरा रिलेशनशिप जो है वो बहुत कमाल का रिलेशनशिप है इनका, मेरा अनु जी का जो एक संबंध है। मैं आज वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन तुम तो हमेशा जानते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहा है, मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार का। मुझे अभी तक वो दिन याद है सोनू जब मैंने तुम्हें सबसे पहली बार देखा और सुना दोनों साथ में, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है क्योंकि वो रफ़ी साहब, अमर रफ़ी साहब की बरसी थी और उसकी कॉम्पिटिशन थी। अमर रफ़ी साहब मैंने इसलिए कहा है क्योंकि उनको आज भी ज़िंदा रखने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। हमेशा की तरह दुआ दूंगा कि इसी तरह खुश रहो, इसी तरह सुरीले रहो, जिस तरह तुमने अपने ऑडियंस का ख्याल रखा है उसके साथ साथ तुमने अपने परिवार का भी बहुत बहुत ध्यान रखा है, बहुत प्यार दिया है उन्हें, इसलिए तुम बहुत प्यारे हो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये गलत इंसान है जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, कभी कभी शोज़ में आते थे, इनको याद नहीं रहेगा पर मैं इनके साथ बचपन में शोज़ कर चुका था पापा के साथ में। लेकिन 31 जुलाई मेरे बर्थडे से एक दिन बाद रफ़ी साहब की बरसी आती है, 31 जुलाई 1988 में रफ़ी साहब का कॉम्पिटिशन था दिल्ली में जिसमें ये जज थे, और वहाँ वो मेरे जिंदगी सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन था जिससे मेरा बहुत नाम हुआ था, मैंने वो गाना गाया था चल उड़ जा रे पंछी रफ़ी साहब का, तो जज थे, तो तब इनको मालूम पड़ा कि ये तो अगम का बेटा है, अगम पापा को वैसे जानते थे वो, तो तब इन्होंने पापा को कहा था कि ये जब बड़ा हो जाएगा ना इसको ज़रूर मेरे पास लाना, मैं कुछ करूँगा इसका। और सबसे पहला घर हम सचिन जी के ऑफिस में गए थे, पापा मुझे लेकर गए थे, और इन्होंने, ये वो बहुत कम चंद शख्स हैं, सचिन जी, उषा खन्ना जी, अनु मलिक जी, ये तीन लोगों ने उस दौरान इनकी इंस्पिरेशन की वजह से हम लोग बॉम्बे आए थे, ये तीन लोग। कम लोग जानते होंगे कि सचिन बहुत अच्छे एक्टर तो हैं, गाना भी अच्छा गाते हैं। जी हाँ, तभी वो दो चार मरतबा मुझे सुनने का मौका मिला, ही रियली है, इसलिए वो जज थे वहाँ पर, वरना उनको जज म्यूजिक कॉम्पिटिशन में एक एक्टर के जज में क्या मतलब यार, मुझे ही बना देते हैं कभी कभी, तो ये बात तो छोड़ दो। तो अब एक दूसरी आपकी लॉटरी खुलवाए हम। अच्छा, प्लीज आइए महा लॉटरी। सोनू के बारे में इतना कहूंगा फारूक भाई, ही इज सो, द राइट वर्ड इज ही सो रियल, सो ट्रू। और जब मुझे पता लगा कि सोनू के लिए हो रहा है, सो आई हैड दिस पर्सनल प्रॉब्लम इन माइंड, बट आई सेड, कितनी बार जब इसने कहा डू यू लव मी, एंड आई सेड आई लव यू वेरी मच, तो जब मौका आया प्रूव करने का, तो मैंने ये बड़ा अच्छा मौका है टू टेल सोनू दैट आई रियली, बहुत सही, बहुत सही। एक्चुअली मैंने कहा मेरी जिंदगी में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है, अगर मेरे लिए, मैं म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, बहुत मैंने सुना है, अगर मेरे लिए आप चुनेंगे भारत के सबसे जो चुने हुए संगीतकार जो वाकई में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हों, तो अगर बाकी लोग बुरा ना माने तो मेरे लिए अनु मलिक है,
मेरे लिए अनु मलिक उसके बाद सोनू हर बार कहता है कि अनु मलिक जी यू आर माय मोटिवेशन बट आई मस्ट से दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी कि टुडे सोनू निगम यू आर माय मोटिवेशन टू डू वेरी गुड वर्क एंड डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट अब मैं अभी जाके बैठ जाऊँ तो अगला गेस्ट आने वाला होगा सर प्लीज तशरीफ रखें लेकिन आप जाएं वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है गुफ्तगू हो रही है मुलाकात हो रही है सोनू निगम से सोनू एक मजबूरी मेरी इस शो में यह है कि जरा टू मेनी पीपल वांट टू सेइंग टू मेनी नाइस थिंग्स अबाउट यू अभी अनु जी आए हो आपसे गले मिले ढेरों तारीफ़ की फिर मैंने उनसे कहा अनु जी प्लीज़ थोड़ा सा आप मेक सम स्पेस फॉर सम अदर फैंस ऑफ सोनू तो सम मोर फैंस ऑफ सोनू वांट टू कम प्लीज़ कम इन अपने ढंग से तारुफ कीजिए हम लोग तो वैसे जानते ही हैं ये मेरे भाई हैं जी जिन्हें मैं लिटरली मेरे इनको इनका मेरे भाई का रिश्ता है और ये मेरा रिसेंटली बना हुआ मतलब ये उस लेवल का दोस्त है रिसेंटली बना हुआ जो बचपन में जो दोस्ती होती है ना जो वैसी दोस्ती होती है ये वो दोस्ती हमारी बनी है इट्स सो स्ट्रेंज कि हम लोग की दोस्ती इतने कम समय में इतनी प्रगाढ़ हिंदी में जो वर्ड है वैसे है तो आई कुडंट रियली एक्सपेक्ट मैं सोचता कि ये बिजी होंगे डायरेक्टर बन गए हैं और आदेश भाई का तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो आप आएंगे या आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट किया मैं इसलिए कि रिकॉर्डिंग ऊपर वाले की वजह से दो दो स्टूडियो में चल रही थी तो भी मैं सिर्फ आया कि मैं ये नहीं बोल के जाऊंगा कि मैं जल्दी में और जाऊं मैं आराम से इत्मीनान से बैठूंगा थैंक यू सो मच और सोनू के लिए कुछ बोलना चाहता हूं मैं सर इसीलिए हम सब जमा हुए हैं प्लीज बोलिए कि ने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा बट उस स्ट्रगल में कहीं पर भी एक उसने अपनी एक जो एक आदमी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना वो उसने कभी नहीं गंवाई क्योंकि कहीं ना कहीं मांगते रहते हैं काम ये वो तो एक जो खुददारपना है सोनू का और आई थिंक उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो आज इस मुकाम पे है और इसी तरह भगवान की दया से हमारा आशीर्वाद जो और ऊपर जाएगा सर प्लीज द वर्ड बेस्ट फ्रेंड इज वेरी मिसयूज्ड टर्म जी वी यूज इट वेरी कैजुअली जी दिस गाय इज माय क्लोज फ्रेंड और दैट गाय इज माय I never understood the meaning of what a best friend is until I met Sonu. I cannot explain the bond and the friendship that we share. It's a very unconditional friendship. So, please would you like to take a seat? Ah, yeah, this is it. Thank you. Are Sonu, dek TV se bhi aapka bahut kamyab taluk raha hai aur आपका एक इंतहाई पॉपुलर शो हुआ करता था उस शो से जुड़े हुई एक शख्सियत है आपसे कुछ कहना चाहती हूँ हाय सोनू हाउ आर यू इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम याद है वो इमारत जिसकी नींव हमने साथ में मिलकर रखी थी कैसे हमने मिलकर के इस प्रोग्राम को सजाया था ईयर 1994 पहला शेड्यूल किस तरह से हम लोग करते थे कुछ पता नहीं होता था कि क्या करना है लेकिन दोनों ने मिलकर के कैसे कोऑर्डिनेट किया बहुत ढेर सारी खट्टी मीठी बातें जुड़ी हुई हैं तुम्हारे साथ में और तुम्हारी उपलब्धियों को देख करके बहुत खुशी होती है ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो विश यू ऑल द बेस्ट टेक केयर ये टेलीविजन में जो जो म्यूज़िक शोज बहुत कामयाब हुए हैं उनमें से जब दो ही तीन नाम याद रहेंगे तब आपका ये प्रोग्राम याद रहेगा ये आपको कैसे मिला था एक बार क्लोजअप अंताक्षरी के प्रोग्राम में प्लेबैक सिंगर स्पेशल हुआ था तो तब गजेंद्र जी से मेरी मुलाकात हुई और इनके साथ अच्छी ट्यूनिंग हो गई तो उन्होंने पहले मुझे कहा था कि अंताक्षरी करें तो मैंने कहा कि कुछ नया करते हैं तो अच्छा रहेगा इन्होंने भी एक नया कॉन्सेप्ट सोच लिया बड़ी पॉजिटिवली हमने प्रोग्राम शुरू किया और 95 में मई 1 को ये प्रोग्राम शुरू हुआ इसी तरह फिर वो आगे बढ़ गया
जी 5.5 साल चढ़ा, पर आज भी उसकी यादें मेरे दिल में। जी जी, और बेहद कामयाब प्रोग्राम था। एक एक बहुत मकबूल शख्सियत, एक बहुत बाकमाल शख्सियत का मैसेज आपके लिए है, तो बेशतर इसके कि हम कुछ और करें, मैं चाहता हूँ आप वो मैसेज देख लें। सोनू बेटा, मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा हूँ। तुम बड़े लायक और होनहार शागिर्द हो और तुमने बड़ा मेरा और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में हिंदुस्तान का बड़ा नाम किया है। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि तुम दिन रात रात चौगुनी तरक्की करो, और मेरी तुम्हारे लिए और पूरे परिवार के लिए शुभकामनाएँ। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, उनकी तो तारीफ जितनी की जाए कम है। आप उनके साथ जाकर आपको शागिर्दगी का ख्याल कैसे आया था? ये भी सारे गांव की कृपा से हुआ था, क्योंकि वो उनसे मेरी पहली भेंट तभी हुई, और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा कि इनसे मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन एक प्रॉपर उस्ताद की तरीके से। मैंने पहली बार इनको अप्रोच किया, खुद ही गया, पापा मम्मी को भी नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। मैं गया उनके पास, मैंने बोला कि मुझे आपसे सीखना है संगीत, और मैंने 1.5 साल इनसे वोकल ट्रेनिंग की। अब इनके हाथों में शफा भी है, जिसको भी धक्का देते हैं वो आगे बढ़ जाता है। इनके बहुत सारे मुझ जैसे कई शागिर्द, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, इनके साथ और भी बहुत लोग सीख रहे हैं। सोनू निगम से बातें हो रही हैं, वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है कि इस एपिसोड में, इस अंक को जो है एक एक सोनू की ज़िंदगी का एक और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू जो है उससे जुड़ा हुआ एक मैसेज है, वहाँ से शुरू करते हैं। हाय सोनू। हाय। या अभी बुलाओ, मजाक की बात छोड़ो। जब ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने अभी अभी अपनी ग्रेडिंग ख़त्म की फिल्म की, और बहुत अच्छी लग रही है फिल्म। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा सोनू की, मेरा सौभाग्य था कि मैंने तुम्हारे जैसे एक इंसान के साथ काम किया। मेरे लिए यू आर वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड प्रोफेशनल एंड टोटली कमिटेड अ पर्सन, सो ऑल द बेस्ट इन व्हाट एवर प्रोजेक्ट्स यू गोना डू इन फ्यूचर। आई होप वन ऑफ देम इज विद मी। आप रजत साहब की फिल्म कर रहे हैं ना? रजत मुखर्जी जी जो हैं, ये मेरे फिल्म लव इन नेपाल के डायरेक्टर हैं, लेकिन ये बहुत मॉडर्न एज के डायरेक्टर हैं, और इनका जो स्पेस थी काम करने की, उन्होंने बहुत, इनके साथ में बहुत कुछ सीखा, किस तरह जल्दी काम किया जाता है, किस तरह कैरेक्टर में घुसा जाता है, एंड ही सो प्रिसाइज अबाउट हिज कैरेक्टर। लव इन नेपाल जो पिक्चर है, इस तरह की फिल्म से मेरा पदार्पण होना चाहिए था, जो फिल्म मुझ पर आधारित हो या मेरे काम से बनी हो, but I was maybe bound to go through debacles in my beginning stages of my acting career. Love in Nepal, agar log dekhenge to unko pasand aayega, nahi hoga to aage karunga, dekhunga, nahi hoga to nahi karunga. Nepal se kahin aur jaake karenge. Haan, kahin nahi. Haan, there some other people want to come and personally thank you. Mischievous people. Really? I want to keep them away from me. So they're all yours. Please tashreef laiye. आदाब अभी जाते। अरे कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप ठीक हैं? Was it a surprise? Really? No. Obviously मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर surprise, अगर नहीं आता तो surprise होता। कि कैसे आए, कैसे नहीं आप? ये बहुत हम में सबसे छोटे ये हैं उम्र के। जी। He's the youngest junior. ये youngest singer of India. Newcomer. जी। He's a senior most junior. और बाबुल मेरी दोस्ती 94 से है। फिर इसके साथ जब से मेरी दोस्ती हुई है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ही इज़ लाइक अ पर्ल टू मी, ये मेरे लिए मोती समान है। इसका जो मतलब है वो सिर्फ यही जानता है। पता क्यों? ये जब बात करता है, मोती कुत्ते का नाम होता है ना, इसलिए ये बोल रहे हैं मेरे मोती समान है, ये ऐसा बदमाश है। आप अभिजीत जी को कब से जानते हैं? 10 साल से तो ज़्यादा ही होंगे। इनके मेरी जिंदगी का पहला डुएट, मेल सिंगर का जो डुएट था, फर्स्ट डुएट वॉज विद अभिजीत दा, और इनसे मेरी 93 में मेरे इनके साथ मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम। बहुत हम आपस में खुले हुए हैं, लेकिन हैं तो मुझसे सीनियर ना, तो मुझे इनसे आशीर्वाद देना पड़ेगा, तो मैं इनसे, इनके मैंने पैर छुए थे उस दिन वहाँ पर शो के टाइम पर। नहीं, इसके पहले भी तुमने छुए थे, पर आप रोए उस दिन थे, उस दिन की आँखों में आंसू आए थे।
इन्होंने कहा था कि इसने मेरे पैर छुए, तो इनको मालूम पड़ा कि मैं इसको प्यार करता हूँ। हमेशा भगवान ऐसे रहेगा। बाबुल साहब तशरीफ़ रखें, अभी जी तशरीफ़ रखें। एक और मेहमान हमारी ख़ास सोनू साहब से मिलना चाहती हैं। सर एक और मेहमान आपको रूबरू मिलकर आपकी तारीफ ही करेंगे मेरा ख्याल है। आइए प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। How are you? आदाब श्रुता जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। थैंक यू, रियली नाइस मीटिंग। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं तो सोचा था कि आप शायद नहीं आ पाएंगे या नहीं आएंगे। मैंने इनको मैसेज भेजा था कि आई एम सॉरी, आई एम स्टक समवेयर सो आई कांट कम। आपको पता, मैं पढ़ चुका हूं आप लोगों को, मैं मुझे पता था कि आप लोग आओगे कहीं ना कहीं से। शी इज माई फैमिली जी, ये मेरी इमीडिएट फैमिली है और इनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी 1997 में फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी। और ऑब्वियसली इनके परिवार के लिए पूरे भारत में इज्जत है, वो है, तो इनके लिए तो थी ही इज्जत हमेशा। जो आपस में एक एसोसिएशन था वो इतना अच्छा रहा हमेशा कि वो दिन ब दिन हमारा प्यार बढ़ता रहा, चाहे इनका हमारी फैमिली से हो या मेरे इनके बच्चों से हो या जो भी हो। और आई वुड से अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू हर एंड सम गोज़ टू मी ऑल्सो। मैंने पहली बार इनको देखा एक शो में, आशा जी और ये दोनों साथ में थे स्टेज पे। और जब मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी है सर, ये इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और आई वाज रियली अमेज्ड टू सी हिम। एंड धीरे धीरे पता चला कि ही इज़ रियली अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मेरी इनकी दोस्ती, आप बहन कह लीजिए या दोस्त कह लीजिए या क्लोज एसोसिएट, लेकिन माँ कह लीजिए, बहरहाल घर के जैसे जी। लेकिन इनकी इनकी जो सोचने का ढंग है वो बहुत ही, कभी कभी तो बहुत फिलोसॉफिकल बातें कहते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि इतनी छोटी उम्र में ऐसी बात भी कर सकते हैं। एंड आई फील दैट ही इज़ वेरी क्लोज टू गॉड एंड ही इज़ बीन रियली ब्लेस्ड बाय गॉड। देयर इज समबडी एल्स हु वांट्स टू से समथिंग वेरी नाइस अबाउट यू। भाई सोनू, मैं स्टूडियो में नहीं आ सका, इसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। आप तो जानते हो कि मैं हमेशा आपके साथ। कुछ साल पहले मैं आपसे कुछ नाराज हो गया था, पर उस वाकया के 2 महीने बाद एक बड़े फिल्म मैगजीन में उस वाकया के जिक्र के दौरान आपने जिस सम्मान और प्यार भाव से मेरे बारे में लिखा था, उसे पढ़कर मैंने अपने आप को छोटा महसूस किया था। आपके प्रति सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। आप कुछ नाराज हो रहे होंगे कि मैं आप जनाब करके बोल रहा हूं, परंतु मेरे लिए कितना ज्यादा गर्व की बात है कि छोटे भाई को आप कहने में कितनी खुशी और संतुष्टि मिल रही है। मेरा प्यार, सम्मान, आशीर्वाद और शुभकामना हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ है। दादा जो है, ये तो अच्छा ही हुआ कि ये नहीं आए यहाँ पर। मैं बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये इतने बड़े पुरुष हैं, इतने बड़े पुरुष हैं कि इनके ऊपर शायद 10 जीना इसी का नाम है हो जाएगा। इन्होंने इतने लोगों के लिए इतना अच्छा किया हुआ है और ये ऐसे बोल रहे हैं, इज्जत से आप बोल रहे हैं। मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, ये मेरे बड़े भाई कह लीजिए। मैं मेरे पिताजी के नज़दीक हैं उम्र में और मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। एक बहुत मशहूर गाने का के बोल थे कि भाई जो कहकर ये शो आज का प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता हूँ कि भाई सोनू, अच्छा सिला दिया तुमने हमारे प्यार का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगले हफ्ते भी फिर ऐसे ही किसी दिलचस्प मेहमान से मुलाकात होगी। वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है मैं, तब तक के लिए आपको इजाज़त। मैं उनको फौरन बुलाता हूं, उनसे बहुत सी प्यारी प्यारी मधुर मधुर सुरीली बातें करनी है। प्लीज आइए शान। ये सिंगिंग की नई जोड़ी तैयार हो रही है। Thank you.